नीट 2020 को क्रैक करने के लिए आपका बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। तो देखिए, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप सब जो हैं वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले तय करते हैं कि आपको कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको सेट करना है 8 से 10 घंटे, वो भी मिनिमम 8 घंटे आपका मिनिमम हो जाएगा, और 10 घंटे अगर उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हो। मॉर्निंग के अंदर आपको 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच में आपको उठ जाना है। उसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट आपका फ्रेश वगैरह होना है, वो आप 9 बजे से पहले पहले हो सकते हो। 9 बजे से लेकर आपको 11:30 तक जो है बायोलॉजी को पढ़ना है। उसके अंदर आप चैप्टर्स पढ़ सकते हो, कोई टॉपिक पढ़ सकते हो, किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो बायोलॉजी होना चाहिए। 11:30 से लेकर 11:15 तक आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है। उसके बाद में आपको 11:30 से लेकर 1 बजे तक जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप लंच कर सकते हो, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। देन 2 बजे से लेकर 3:30 के बीच में आपको फिजिक्स की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करना है। उसमें आप एक चैप्टर पढ़ भी सकते हो क्योंकि आपके पास 1.5 घंटा है, या फिर आपने जो आज पढ़ा है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, या फिर आप वीडियो लेक्चर से देखते हो तो भी 1.5 घंटा इनफ होता है फिजिक्स की थ्योरी के लिए। 3:30 से लेकर 4 बजे तक आप थोड़ा सा चिल कर सकते हो, उसके बीच में आप टी वगैरह ले सकते हो या फिर थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। देन 4 बजे से लेकर आपको 6 बजे तक शाम को केमिस्ट्री को पढ़ना है। उसके अंदर आप कोई भी अच्छा टॉपिक जो है वो पढ़ सकते हो, चाहे इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल का है। फिजिकल के अंदर आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। देन 6 से लेकर 6:30 आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद में 6:30 से लेकर आप रात को 9 बजे तक फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम आती है कि आप शाम को नहीं आप रात को करना चाहते हो, तो आप अभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि थोड़ा सा अगर आप बोर ना हो इसलिए आप फिजिक्स के क्वेश्चन करोगे। पहले आपने फिजिक्स पढ़ा है, उसके बाद आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, आप फिजिक्स करोगे क्वेश्चन तो थोड़ा सा बोर नहीं होंगे। देन 9 से लेकर 10 के बीच में आपका जो है डिनर हो जाएगा। उसके बाद में आपको 10 बजे से लेकर रात को 11:30 या फिर 12 बजे तक आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए, ये तो हो गया आपका पूरा टाइम टेबल, ठीक है, जिन्होंने मैंने आपको सुबह से लेकर आपका जब उठना है उससे लेकर आपको रात को सोने तक का बता दिया। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि जब मैंने आपको थ्योरी का टाइम बताया उसके अंदर आपको करना ये है कि 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा जो है निकाल लेना है, ठीक है, डेली जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनके लिए। अब देखिए, बायो में से आपने आधा घंटा निकाला तो आपको करना ये है कि जो पहला वाला जो टाइम है उसमें तो आपको नया टॉपिक पढ़ना है आज का, लेकिन 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा जो है उसके अंदर जो आपने कल पढ़ा है वो उसको आपको वापस रिवीजन करना है। रिवीजन जो है वो आपकी मस्ट की है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, बिकॉज इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा डेफिनेटली। अगर आप रोज़ के रोज़ रिवीजन करोगे तभी आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो पाएगा, आपके जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग बन पाएंगे, और उसके बाद में जब क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी, उससे भी आपका सिलेक्शन जो है आप बहुत नज़दीक पहुँच जाओगे। और देखिए, ये जो आपका टाइम टेबल है वो आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक हो सकता है। हो सकता है कि आपको संडे का कुछ एग्ज़ाम वगैरह हो, ठीक है, कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह में या फिर किसी टेस्ट सीरीज का ज्वाइन कर रखा हो, तो वो एग्ज़ाम आप अटेंड कीजिए, अच्छे से कीजिए, और उस दिन का जो शेड्यूल है वो आप थोड़ा बाद में बना लीजिए। उससे अगर आप एक्स्ट्रा बनाओगे अगर उस दिन अगर आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, और अगर आप उस दिन थोड़ा फ्री रहते हो और शाम को थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो भी वो ठीक रहेगा। और अगर आपका टेस्ट वगैरह नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि आपने जो पूरे वीक में पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे नहीं हो पाए थे, या फिर जो आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड, उन टॉपिक से रिलेटेड, वो आप इस पूरे दिन कर सकते हो और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है रिविजन कर सकते हो। और देखिए, इस टाइम टेबल की खासियत ये है कि आपने पूरे दिन में अच्छे से पढ़ाई कर ली है और आपको रात को सोने के लिए भी इनफ टाइम मिल चुका है, तो उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी जो स्टडी है वो वेल मैनेज रहेगी। अब आपके मन में डाउट आएगा कि आपको जो वीडियो लेक्चर वगैरह हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो कब देखने चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने जो मेंशन किया है वो तो सेल्फ स्टडी का ही टाइम टेबल है, क्योंकि इस टाइम टेबल के अंदर आप तो खुद पढ़ते हो तभी वो आप मेंशन होगा। तो देखिए, जब अगर आप वीडियोस वगैरह देखकर खुद पढ़ते हो, मतलब आप वीडियोस से समझ समझ के पढ़ते हो, तो आप उसके लिए ऐसा कर सकते हो कि वीडियोस का 1 घंटा जो होता है 1 घंटा डेली आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बायो के अंदर 1 घंटा का डेली वीडियो, केमिस्ट्री के अंदर 1 घंटे का डेली वीडियो, और फिजिक्स के अंदर 1 घंटे का डेली वीडियो, उसको आप देखिए अच्छे से, और उसके बाद में आपको जो टाइम बचता है अगर आप रिवीजन का टाइम को थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन रिवीजन मस्ट है इसलिए आप उसको 10 से 15 मिनट के अंदर आप थोड़ा कंप्लीट कर सकते हो। और भी अगर आपको लगे तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो वीकेंड में है आप उस टाइम पर रिवीजन कर लो, और बाकी का जो आपको सेल्फ स्टडी है वो करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि आपने इस वीडियो को तो देख लिया, लेकिन उसके बाद में इसको खुद से कॉपी के अंदर से पढ़ना या फिर नोटबुक से अंदर पढ़ना या फिर किसी बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो टाइम टेबल है वो परफेक्ट टाइम टेबल है, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास पूरा टाइम है, तो उसका पूरा अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो ही आपको बेटर रिजल्ट मिल पाएंगे। और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फिजिक्स के अंदर आपको कैसा पढ़ना चाहिए जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी होने लग जाएं और आपके मार्क्स जो हैं वो 150 को क्रॉस कर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।